महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा महाविकास अघाड़ी का पर्दाफाश हुआ। संबित पात्रा ने बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले के शामिल होने का आरोप लगाया। कहा 253 करोड़ के गबन में कई किरदार हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के हवाले से कहा दोनों नेताओं ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन की हेराफेरी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों का आधार बताने के लिए कई वॉइस नोट्स मीडिया के सामने जारी किए। सुप्रिया सुले की आवाज होने का दावा किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी घेरा, पूछा 5 सवाल, कहा रविंद्र पाटिल जांच का समर्थन करने के लिए तैयार। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर सुप्रिया सुले का दावा, कहा ऑडियो क्लिप मेरी आवाज नहीं है, सभी वॉइस नोट और स्क्रीन शॉट फेक है। सुप्रिया सुले ने सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा, कहा मैंने साइबर क्राइम में शिकायत दी है। बिटकॉइन ऑडियो टेप पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया है। शरद पवार ने कहा जो जेल में था उसके बयान पर आरोप लगाए गए हैं, ऐसे झूठे आरोप बीजेपी ही लगा सकती है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर अजीत पवार ने कहा ऑडियो क्लिप में आवाज इन्हीं दोनों की है, एक मेरी बहन है, दूसरा वो व्यक्ति जिसके साथ मैंने बहुत लंबे वक्त तक काम किया। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने बारामती में मतदान किया, लोगों से भारी संख्या में निकलकर मतदान करने की अपील की। नवी मुंबई के बूथ पर शरद पवार गुट के नेता संदीप नाइक ने वोट कास्ट किया। बेलापुर विधानसभा से एमवीए उम्मीदवार हैं संदीप नाइक। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बांद्रा के बूथ पर वोट डाला। बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीद है आशीष शेलार। मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने मुंबा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा मुंबा देवी में इस बार परिवर्तन लाना है। ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश शंभाजी शिंदे का बड़ा बयान, कहा राज्य के लोग एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, शिवसेना का स्ट्राइक रेट फिर सबसे ज्यादा होगा। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी सीट के लिए कांग्रेस नेता विजय वेडिट्टीवार ने वोट कास्ट किया। ब्रह्मपुरी सीट से एमवीए के कैंडिडेट हैं वेडिट्टीवार। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, भाजपा एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, 5 वर्षों तक जनता ने काफी तकलीफ सही है। वोटिंग के बीच जेएमएम सांसद मऊआ मांझी का दावा, कहा झारखंड में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर सरकार। उत्तर प्रदेश के मीरापुर में वोटिंग के दौरान पथराव, ककरौली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। कानपुर के सीसामाऊ सीट पर हो रहे मतदान का जायजा लेते दिखे बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी, कहा यहां की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी।